हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक बार फिर से और गाइस आज ना एक थोड़ा सा स्पेशल काम कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पसंद ना आए लेकिन चॉप न यार आज मेरे साथ नहीं खेलने वाला है वो उसका एक रीजन है ठीक है मैंने चॉप को आज बोला है ना गाइज की आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं आज मैं बस अपने वर्ल्ड में ऐसे ही घूमने वाले थोड़ा काम वगैरह करने वाले और इधर उधर के गाँव में हम लोग एडवेंचर करने जाने वाले हैं चौप को नहीं पता चॉप अपने घर में मस्त बैठा है एक्चुअली मैंने गाइज चॉप कुछ दिन से कही दूसरे गाँव में छुप छुप के जा रहा है और डेविड से मेरी बातचीत हुई है तो फिर डेविड ने बोला की वो सही में किसी और गाँव में जा रहा है और कुछ ना कुछ सीक्रेट काम करवा रहा है जिसके बारे में उसने अभी तक हम लोगों को नहीं बताया है तो अभी हम लोग चल रहे हैं डेविड के और और उससे पूछते कि, कि किस गांव गांव में जा रहा है चौप? और क्या है क्या लोकेशन उस की ताकि हम लोग भी चुपके से जा करके देख सके कि आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे चौप यारि दो वीक से नॉन स्टॉप जा रहा है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रही डेविड की शॉप मैं फटाफट इससे बात करता हूँ और उसके बाद पता लगाते हैं गाइस बातचीत यहाँ पर मेरी जो है डेविड से कंप्लीट हो गई और ये कौन सा पता नहीं अजीब सा गांव वाला यार हम लोग को परेशान कर रहा है बात नहीं करने देता ठीक है डेविड थैंक यू भाई तूने बहुत मदद की अब मैं जो है यहाँ से निकलता हूँ तू भी अपना काम कर ऑल राइट गाइज लेट्स के पास टाइम नहीं हम लोग जल्दी से अप कर रहे हैं और जिस गाँव की लोकेशन मेरे को डेविड से मिली है ना हम लोग वहाँ चलने वाले हैं बाय द वे जो लोग सोच रहे हैं कि क्या चौप इस वर्ल्ड में ऑनलाइन है या फिर नहीं चौप अपने घर पे है मैं आपको बाद में कोशिश करूंगा दिखाने का और अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ फटाफट से बाई द वे जो लोग देख रहे हैं हम लोगों ने एक और चेस्ट लगा दिया यार घर पे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सामान फुल हो चुका था भाई

नहीं करेंगे अगर उसको पता चल गया ना कि मैं किसी और गाँव में जा रहा हूं तो फिर वो बोलेगा मेरे को भी ले जाओ और भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी गाइज तो सो सॉरी जो लोग चौप की वजह से वीडियो देखने आए थे भाई चौप इस वीडियो में नहीं आएगा इस वीडियो में हम लोग उसका यार जो सीक्रेट जिसके पीछे वो काम कर रहा है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो चौप यार हम लोगों से छुपा रहा है और अपन लोग को बता भी नहीं रहा है सो लेट्स गो अब मैं सीधा आप लोगों से मिलता हूं उस गांव में पहुंच करके ठीक है क्योंकि काफी ज्यादा लंबा सफर होने वाला है मैं आप लोगों को यार फालतू का बोर नहीं करना चाहता तो इसलिए फटाफट से चलते हैं ओके गाइज हम लोग आ चुके हैं इस गाँव में आप लोग देख सकते हो बहुत लंबा सफर था यार चौप भाई कैसे आता है इतना दूर डेली मेरे को समझ नहीं आता और ये रहा उस गांव का वॉच टावर पता चौप इस है पे बार बार विजिट करता है। और देखो यार कितना बड़ा गाँव है भाई इनफैक्ट मैं तो ये ये भी भी बोलूंगा ना कि ये गाव हमारे गाव से भी बेटर है इंद्रप्रस्थ लेकिन आई थिंक ये वाला गाँव ना आई चौप जो है अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो तो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे थोड़ा तहकीकात करना होगा डेविड ने भाई किसी तरीके से अपना इंटेल से यार इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम लोग को इतना बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो है चौप बार बार विजिट

के लोग यार थोड़े ज्यादा मेहनती है हमारे गांव वाले तो बहुत आलसी है यार कुछ काम नहीं करते दिन भर है, है, है यहाँ पर हम लोग थोड़ा खाना पीना ले लेते हैं यार इस में आते के साथ मेरे को थोड़ा भूख वगैरह लगने लग गया है और मैं अपने गाँव से यार खाना लाना भूल गया था तो इसलिए हम लोग को जब भी भूख की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ आ जाएंगे और एक एक करके भाई एक एक करके मेरे को सारे गांव के ना घर को जो चेक करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वहीं से हम लोगों को कोई सबूत मिलेगा कि आखिर चौप किस चीज के पीछे है जो वो इस गांव में बार बार आता है वैसे इस घर में तो मेरे को कुछ भी नया देखने को नहीं मिला आउट ऑफ द ऑर्डिनरी गाइज अभी तक हम लोग को ना

किधर इन घर में चलो कोई नहीं हम लोग को क्या फर्क पड़ता है यार कहीं भी सोए इनका है। I think ये सारे वाले ना यार, एक दूसरे का बेड इस्तेमाल करते जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कंपैरिजन में हमारे गांव में उतने ज्यादा नहीं रहते एक दो गधे भी है यहाँ पर ऊपर से चिकन वगैरह भी आप लोग देख सकते है भाई सच्ची बोल रहा हूँ हम लोग गाँव के काफी दूर आपको जानवर मिलेंगे लेकिन यहाँ पर एकदम गाँव के बगल में ही है गाइज आप लोग कॉमेंट करके बताना इस गाँव का क्या नाम रखे और इसको हम लोग चौप का गांव बोलेंगे ठीक है मतलब मेरा गाँव तो ऑब्वियसली इंद्रप्रस्थ है और हम दोनों का घर है ऑब्वियसली I mean और इस में भी मैं सोच रहा हूं, अपना एक खोजना था चौप का सीक्रेट और ये देखो यहाँ पे सारे गाँव वाले यार फाउंटेन के आस घूम रहे है भाई के पास तो कुछ लोचा नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस घर के अंदर भी ओके यहाँ पर तो नॉर्मल खाने पीने का सामान है उसके बाद चलते हम लोग नीचे गई और चलो देखते यहाँ पर उतरने का रास्ता है कि नहीं तो मेरे को बहुत

पूरा लफी लग रहा है वो बंदा चलो कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से निकलते बार -बार होता तो है, ये टावर है। ना तो पक्का कुछ उसने सेटिंग की जिसके बारे में हम लोग को आइडिया नहीं है आप लोग देख सकते हो ऊपर से कितना जबरदस्त व्यू है और मैं पूरे गांव में तलाशी लेने वाला हूँ उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे हर शख्स से हर चीज से मैं पूछूंगा पता लगाएंगे कि क्या है ऐसा जो चौप हम लोगों से छुपा रहा है और क्यों नहीं बता रहा है हमें प्रॉब्लम है भाई जो वो अपन लोग को नहीं ला रहा है इस गाँव में भाई कुछ ना कुछ तो लोचा कर रहा है अरे रात हो रही है रुको रुको रुको, रुको एक सेकंड गोलम से पहले पूछ लेते हैं कैसे हो? कैसे हो? अरे उधर क्यों मुंह दिखा रहे हो भाई देखो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ चौप कुछ करने आता है क्या अबे मार दूंगा तेरे को हिम्मत हिम्मत है तेरी रुक भाई इसको बताओ अभी मारते गुस्सा लगा था भाई अरे मार दोगे क्या अरे मार दोगे क्या गोलम भैया जी माफ कर दो प्लीज फालतू का पंगा ले लिया अरे यार तुमको सीक्रेट नहीं बताना मत बताओ यार चौप का पीछे क्यों पड़ गया जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी <laughs> शिट रुक रुक, रुक 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 इस घर में घुस जाते हैं अबे यहाँ पे विलेजर सो रहा है इसके तैसी उठना भाई भाई ओए हेलो सर जी उठ जाओ यार अबे भाई क्या करूं मैं क्या करूं गाइस रुको ये ये उठ नहीं रहा उठना उठना भाई उठना मेरे को सोना है अरे शिट यार ये उठ ही नहीं रहा रुको गाइस हम लोग बाहर निकलते हैं और गाइस यार अब सीधा मैं आप लोगों को सुबह में मिलता हूँ क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है हम लोग को सोने भी जाना है चलो इस घर में बेड देख के सो जाते हैं और राइट गाइज सुबह हो चुकी है और जैसा की आप लोग देख सकते हो हम लोग दोबारा से आ चुके हैं वॉश टावर के ऊपर ये देखने के लिए यहाँ पर हम लोग कुछ फिशी दिख रहा है या फिर नहीं अभी लगता है मेरे को थोड़ा और यार यहाँ पे जांच पड़ताल करना पड़ेगा उसके बाद में आप लोगों को मिलता हूँ ठीक है कुछ हम लोगों को आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मिलता है तब मैं आप लोगों को बताऊंगा और राइट गाइज में इधर घूम रहा था आप लोग देख सकते हो गांव से मैं ज्यादा दूर नहीं आया और मेरे को ये अजीब सी चीज दिख रही है यार एंड आई एम प्रेटी श्योर की यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपनी डायमंड की पिकैट से ना यहाँ पे थोड़ा माइनिंग करते और आप लोग देख सकते हो यहाँ कुछ ना कुछ

खोद खोद के क्या ही जबरदस्त बना दिया देख रो क्या लाइव जी रहा है यार? ये ब्लास्ट, कुछ किया होगा बट भाई फिर भी यार, क्या ही सही घर है, भाई? मैं ले लू, क्या ही है आप ना इस वीडियो पे का एम रखा और कर दो और मैं इसके घर में ना ला पूरा लावा भर दूंगा और अपन लोग चौप को ट्रोल करेंगे बहुत बुरे वाला और भाई ये क्या का यार अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस है वो भी अपन लोग के गांव में नहीं दूसरे गांव में

चौपद तो 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 चौप लाया है लेकिन मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि भाई मेरे को ना जो डेविड डायमंड देता है घर बनाने के लिए भाई ये वो यूज कर रहा है भाई चलो कोई हम लोग डायमंड वापस ले जाएंगे उसको जब उसको जब पता चलेगा तो बहुत बुरा

जब उसको अपन लोग उसके साथ इस बेस में मूव करेंगे तब भाई मेरे से क्यों सीक्रेट रखा उसने इस घर के बारे में इतना जबरदस्त घर तो है मतलब बता देता यार हम दोनों साथ में पार्टी करते इधर लेकिन गाइज चौप ने मेरे से एक सीक्रेट रखा ना अब मैं भी एक सीक्रेट बेस बनाऊंगा और उसके बाद हम लोग भी उसको चौप से सीक्रेट रखेंगे उसको बताएंगे नहीं बस आप लोग मेरे को इस गाँव का नाम कॉमेंट सेक्शन करके आई मीन कॉमेंट सेक्शन क्या करोगे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना ठीक है मैं इतना एक्साइटेड हूँ मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे और यार आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही हम लोग को बहुत मजा आया यार आज कुछ नया देखने को मिला भाई कुछ मतलब सही में यार चौप जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ा दिमाग वाला निकला मेरी उम्मीदों को ना यार उसने पूरा पानी फेर दिया मेरी उम्मीदों पे चलो उसको आपसे चोमू नहीं बोलेंगे anyways इस वीडियो के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर sure कर रहा है कि आप सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो एंड हां मिलता हूं बाय यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी